और अब हलचल विस्तार से। इंडस्ट्रियल एरिया के साथ लगते छोटा सईपुर रोड पर स्थित एक फैक्ट्री की दीवार तोड़कर चोर करीब 12 लाख रुपए का सामान और नकदी उड़ा ले गए। चोरी संबंधी जानकारी देते हुए फैक्ट्री मालिक मंगल दास ने बताया कि गत रात्रि 8:30 बजे वह फैक्ट्री बंद कर घर चले गए थे और प्रांताओं ने सूचना मिली, जिसके बाद वे अपनी फैक्ट्री में पहुंचे तो देखा कि मेन गेट तो बंद था, लेकिन चोर फैक्ट्री की पिछली दीवार तोड़कर अंदर घुसे और करीब 10 लाख रुपए का गन मेटल का सामान और 1,20,000 रुपए की नकदी उड़ा ले गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है। पेश है कैमरामैन पंकज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हलचल। कल रात को 8:30 बजे अभी फैक्ट्री बता के गए हैं, लगभग सवेरे 6:30 बजे आ गए अभी। जो ऑफिस खोलिया अपना मेन गेट खोलिया, वह अंदरला दरवाजा अंदरों बंद सगा, तो जितों सूँ कोई शंका हुई कि अंदर कोई चोरी का केस हो सकता, अभी 2-3 बारी कोशिश करके दरवाजा खोलिया अंदरों की। अंदर जाके देखा साडा लगभग पित्तल का सारा माल अंदरों की गायब सगा, कुछ भी नहीं। अभी जाँच पड़ताल की, देखा आ गए साडा फैक्ट्री का पिछों की दीवार होल किया हुआ लगभग 2 फुट का, जितों बंदे फैक्ट्री दाखिल होए, तो लगभग साढ़ा 8-10 लाख रुपए वैल्यू का पित्तल का माल लै गए और लगभग 1.25 लाख रुपया साढ़े गले चो कैश लै गए। सारे ऑफिस के पेपर सब फाड़ गए और साढ़े कुछ चैक्स भी लै गए ने। बिच इंटीमेशन आई है भी स्नेहा मेटल वर्कस रात को कोई अनपछाते चोर जोड़े आ पिछले पासों इन की दीवार जी मिट्टी की बनी हुई सी पाड़ ला के जराकवाल जोड़े आ लैके है बोरिया पा के बोरिया पा के उन्होंने पहले बाहर कड़ लिया, फिर पिछों किसी रेहड़े वगैरह का इंतजाम करके उन्हें ले जाने की कोशिश की है। वेद 3-4 बोरे फिर बाद इतने रह भी गए हैं। इन्होंने सारी अच्छी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सारे हालात में आते रख के इन्हों जल्द तो जल्द फड़े फड़े जाए।